ओके okay जी अस्सलाम वालेकुम ऑल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और इस मंथ को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगी आज की एलसी मीटिंग में कौन कौन आप में से शामिल था कोई था सुबह की एलसी मीटिंग में ओके okay, ओके okay, बाकी के लोग शायद अच्छा नहीं थी अच्छा ठीक है कुछ लोग होंगे कुछ नहीं होंगे बट मैंने उसको काफी ब्रीफ करके ग्रुप्स में भी हर चीज समझा दी थी बट स्टिल हम जब भी कोई नया महीना आता है हमारी जिंदगी में इट्स नॉट अबाउट और बच्चों का नया सेशन आता है एक नया मंथ आता है हम मंथ के हिसाब से बहुत सी छोटी मोटी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं हम लाइक like, अब जब विंटर सीजन आ गया है, तो हम प्लान कर रहे होंगे कि हमने जी गर्मी सर्दी के कपड़ों को सॉटिंग करनी है कुछ लोग कर चुके होंगे कुछ प्रोसेस में होंगे कुछ करने वाले होंगे सो so, जून जू हर नया महीना आता है कोई ना कोई नई फेस्टिविटी होती है उससे डिफरेंट चीजें एसोसिएटेड होती हैं कभी बच्चों के पेपर्स होते हैं कभी आपके घर में कोई शादी होती है कभी खुदा ना करे कोई परेशानी भी हो सकती है सो so, हम क्या करते हैं हम अपना मंथ प्लान करते हैं शादी ब्याह का बच्चों के एग्जाम्स का गर्मी सर्दी का ये तमाम चीजें हमें मालूम ही होती हैं कि ये चीजें ऑन गोइंग है या आ रही हैं आने वाली हैं तो उस हिसाब से हम अपना माइंड अपना प्लान कर रहे होते हैं आ, आ, हम लोगों ने क्या अगर मैं बात करती हूँ और चूंकि हम इसके साथ एसोसिएटेड है आप में हम तमाम लोग लाइक मैं पिछले तेरह साल से एसोसिएटेड हूँ कुछ लोग इसमें सिर्फ यूजर के तौर पर एसोसिएटेड होते हैं इस ब्रांड के साथ और कुछ लोग इसमें जो होते हैं बिजनेस के तौर पर एसोसिएट कर रहे होते हैं अच्छा जो भी कोई हमारे साथ एसोसिएटेड होता है वो उसकी वो शख्स लुक फॉरवर्ड करता है अगर वो यूजर है तो नहीं ऑफर्स क्या है डिस्काउंट्स क्या है अगर वो सेलर है तो वो देख रहा होता है मुझे किस किस चीज से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और अगर वो लीडर है तो वो उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है कि हमें क्या फ़ायदा हो सकता है इस आने वाले मंथ के अंदर और कैसे मैं अपनी टीम को और अपने लोगों को फ़ायदे दिलवा सकता हूँ तो हम सबसे पहले वेलकम करते हैं इस नोट के साथ कि ये आने वाला महीना हम सब के लिए बहुत सी खुशियां हमारे लिए बहुत सी खुशहाली बरकतें सुकून और तमाम किस्म की हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स लेकर आए पहली तो ये हम मेरी दुआ होगी हम सब लोगों के लिए हम बात करेंगे जी और फ्लेम की जो लोग आज की मीटिंग में थे कुछ चीजें मैंने मीटिंग्स के पॉइंट्स से उठाई है सलाम सबको और कुछ लोग कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं जाहिर है मैं कंपनी के फैक्ट्स को तो यहाँ ही कर सकती ना ऑफिस को तो सबसे पहली बात जिस बात पर आज हम बहुत ज्यादा जोर देंगे और ये पूरा साल आने वाला हम जोर देंगे वो ये है जब बच्चे की सालगिरह होती है आपके घर में तो हम क्या करते हैं कि जिस महीने सालगिरह होती है लाइक मेरे बेटा सितंबर बॉर्न है तो हम फर्स्ट से शुरू हो जाते हैं कि हैप्पी बर्थडे वाली तुम्हारी बर्थडे है इस तरह की चीजें ना तो बार बार बच्चा भी एक्साइट हो रहा होता है अम्मा आपको याद है ना मेरी बर्थडे है सेम इज द केस म का जो हमारा बेबी है या जो हमारी कंपनी है जिस फैमिली से हम एसोसिएटेड हैं वो पचपन साल की अगले साल हो जाएगी पचपन साल इज अ बिग टू अचीव पचपन साल आधी सदी से ज्यादा खर्चा होता है जिसमें हम आकर खड़े हो गए हैं सो इन पचपन सालों के अंदर हमने क्या क्या अचीव किया उसको देखेंगे थोड़ा सा एक जल्दी से ओवरव्यू लेते हुए कि क्यों हम ओरी यूज करें चूंकि मैंने आपको बताया इस ब्रांड के साथ कुछ लोग एसोसिएट करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट लेने के लिए कुछ लोग उनको अच्छी लगती है प्रोडक्ट तो जो लोग प्रोडक्ट लेने के लिए इस इस कंपनी का पार्ट बनते हैं और बाद में लीडरशिप में आते हैं तो वो किस बात के लिए प्राउड फील कर रहे होते हैं कुछ उन फैक्ट्स की तरफ जाते हैं सबसे पहले बात हम एक ऐसी कंपनी का पार्ट है जो हर तरह से एक पॉसिबिलिटी की वर्ल्ड है वो हम जितना इसको अनफोल्ड करते हैं उतनी पॉसिबिलिटी की वर्ल्ड अनफोल्ड होना शुरू हो जाती है और हर वो चीज जो आपके जहन में आती है आप उसको इस इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर पॉसिबल बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया मैं पचास साल से ऊपर का यानी पचपन साल होने लगे हैं लोगों की जिंदगी बदलने का ये इतनी अमेजिंग स्टेटमेंट है सिर्फ पाक न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया के पैंसठ मुल्कों में हम माशाल्लाह मौजूद हैं और हम हर मजहब हर सकाफत हर रिलिजन हर कल्चर की लाइफ को बदल रहे हैं जो हमारे साथ जोड़ा है जैसे मैंने आपको बता दिया अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो दुनिया के नक्शे पर हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पाव जमाए हुए खड़े हैं पिछले पचपन सालों में एक ऐसी कंपनी जो स्वीडन स्टॉक होम से एक छोटे से कमरे की मेज के ऊपर से स्टार्ट हुई थी अलहमद ला आज वो कितने लोगों की लाइफ को बदल रही है हम लोगों का हमेशा ब्यूटी को लेकर एक बहुत ही डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है अगर मैरी फ्रेम की बात करूँ आम लोगों के लिए ब्यूटी मेकअप हो सकता है ब्यूटी स्किन हो सकती है हम ऑल टूगेदर हम जिस ब्यूटी की बात करते हैं। उसके अंदर हॉलिस्टिक ब्यूटी आती है वो आपको आपका चेहरा आपकी सोच की कायनदार होता है बिल्कुल बुरी बात है हम और फिल्म में लोगों की जिंदगी बदलते हैं और हमारी हर तरह की वर्किंग हमारी शख्सियतों पर अंदर बाहर रिफ्लेक्ट कर रही होती है बिकॉज वी हेल्प पीपल हम ओरिकेन की प्रोडक्ट्स को कैसे डेवलप करते हैं इतने सालों में पचपन सालों में हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की अपनी जो ब्यूटी है उसको हमने कभी मिस आउट नहीं किया हम नेचुरल ब्यूटी पे काम कर रहे थे कर रहे हैं और करते रहेंगे पचास साल से ऊपर का अरसा हो गया मगर हम इसके साथ क्या करते हैं हम साइंस को उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी नेचर को नेचर और साइंस के कॉम्बो के साथ हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं हम रिसर्च करते हैं बहुत सी इनोवेशंस जो है वो हमारी ईजादात हैं जो हम ओरिप्लिन की अपनी प्रोडक्ट लाइंस है जिस तरह हमने बात की नेचर की तो नेचर के अंदर हम बहुत सी जड़ी बूटियां बहुत से ऐसे हर्ब्स बहुत से ऐसे मिनरल्स को यूज करते हैं और बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ ओरिफ्लेम बनाता है और कहीं कोई और नहीं उनको यूज कर सकता इसी तरह अगर मैं साइंस की बात करूं तो हमारे पास इन हाउस तकरीबन सौ से ऊपर एक साइंटिस्ट मौजूद है जो सारा वक्त रिसर्च कर रहे होते हैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट पे और वी प्राउडली से दैट वो हमारे पैनल पर है और उनका काम डिफरेंट तरह की रिसर्चेस करना है ये नंबर वन पे डॉक्टर एलन मौजूद डॉक्टर एलन वो शख्स है जिसने हमारी नोवेज की प्रोडक्ट लाइन को इंट्रोड्यूस करवाया है, सो डॉक्टर एलन इज द पर्सन जो हमारे नोवेज के पीछे ब्रेन जो है वो डॉक्टर एलन का है ओके okay जी <coughs> हम कमिटेड हैं सस्टेनेबिलिटी की uh, की जो ऐसी चीजें जिससे हमारा माहौल खराब ना हो हमारा पानी खराब ना हो हमारी आबो हवा ख़राब ना हो हमारे दरख्त खराब ना हो हमारे इंसान खराब ना हो सो so, हमारी जो लोग हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं बाद में वो एज ए लीडर इस ऐसी कंपनी के साथ प्राउडली दे फील प्राउड ऑफ इट ये ऐसी कंपनी के साथ वी आर कमिटेड जो हर तरह से नेचर का एनवायरमेंट का दरख्तों का हमारी किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी जानवर की कोई चर्बी नहीं शामिल कोई जानवर नहीं

दो ब्रांचेस जो हैं फिजिकल ब्रांचेस मौजूद हैं एक वर्चुअल ब्रांच इस्लाबाद पिंडी की है अदरवाइज हमारे लाहौर ब्रांच जो है वो गार्डन टाउन में एक ही ब्रांच है लाहौर के अंदर गार्डन टाउन में जो ऑफिशियल ब्रांच हेड है, ऑफिस वो मौजूद है और एक हमारी शॉन सर्कल कराची में हमारा एक ऑफिस और मौजूद है जो हमारी आउटलेट है सो so, आप लोगों को बताने के लिए अब हमारी ब्रांचेस खुल गई है हम ऑनलाइन सेशन अभी भी कर रहे हैं और कुछ अर्सा करते रहेंगे मैं तो करती रहूंगी मगर ऑफलाइन के लिए आप किसी को मिलना चाहें ऑफिस विजिट करना चाहें प्रोडक्ट खुद परचेज चाहे ऑफिस को देखना चाहे तो अब आप बिल्कुल जा सकते हैं मगर थोड़ा सा ऐसे का ध्यान रखिएगा अपनी सेफ्टी के लिए और किसी की नहीं और अपने प्यारों की सेफ्टी के लिए ठीक है सो so, अब हम ऑफिस में भी इवेंट्स करेंगे आप लोगों ने अगर मेरे साथ कोई इवेंट मिलके करना है तो आप लोग मुझसे पर्सनली इससे डिस्कस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया और इन लोगों की जिंदगी तीन तरह से बदलता है बहुत से लोग इस ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हैं और प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको अच्छी लगती है उनको डिस्काउंट पे मिलती है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं जो इतने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ बनी होती है और साथ ही साथ उनको गिफ्ट मिल रहे होते हैं दे लाइक ऑल द कॉन्सेप्ट कुछ लोग जो है वो ना सिर्फ इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं बल्कि इसका एक बहुत यूनिक बिजनेस प्लान है उसी मेंबरशिप और उसी प्रोडक्ट की परचेजिंग के बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जंप कर देते हैं और पैसे बनाते हैं और कुछ लोग दुनिया की सैर करते हैं और ही प्लेन के साथ जी हम सबसे पहले बात करेंगे उन टूल्स की उन चीजों की जो हमारे नवम्बर को बेहतर कर सकते हैं हमारे नवम्बर के टारगेट्स को हदफ को पूरा कर सकते हैं हमारे नवम्बर के चेक्स को बड़ा ला सकते हैं हमारे नवंबर की सेल बढ़ा सकते हैं हमारे नवंबर के कस्टमर बढ़ा सकते हैं ठीक है सो so, ये हेल्पिंग टूल्स हैं अब हेल्पिंग टूल्स क्या करते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में समझाती हम मैं एक्सरसाइज करती हूँ बीन ट्वेंटी एक्सरसाइज जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना वेट्स उठाते हैं उसमें इनिशियली कोई भी वेट उठाते हैं तो उसको बहुत मुश्किल लगता है उस वेट को उठाना सोरनेस होती है दर्द होती है गिव अप कर देते हैं लोग परेशान होते हैं थकते हैं So, उसका उसका ट्रिक क्या होता है वही वेट जब आप दो महीने तक उठा रहे होते हैं आपकी दर्दें बंद हो जाती हैं ग्रेजुअली आप उससे हैवी पे चले जाते हैं आपका जो एक मसल है तो बाइसेप का मसल है कोई एक्सरवाइजी मसल है उसके साथ छोटे छोटे बहुत से हेल्पिंग मसल्स होते हैं वो हेल्पिंग मसल्स क्या करते हैं जब आप शुरू में वेट उठाते हैं तो वो डेवलप नहीं हुए होते वो तो एक छोटा सा आपका अपना मसल होता है तो आपकी हेल्पिंग मसल होते हैं ये, ये, ये शुरू में तो आपको नहीं समझ आएगी आप कभी बिजनेस को फोकस करेंगे मगर ग्रेजुअली हेल्पिंग टूल्स आपके बिजनेस को ऑल टूगेदर बढ़ाएंगे ना वॉट इज बिजनेस क्लास इसका पहले क्राइटेरिया देख लेट फर्स्ट से लेकर थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तक बिजनेस क्लास के अंदर क्या होता है जो पिछले महीने के लोग हैं उनके लिए भी प्लीज लिसन टू दिस महीने अपने पॉइंट्स करेंगे उनके लिए भी और बाकी आने वालों के लिए भी आप अगर 200 सौ बीपी का ऑर्डर करते हैं 30 दिनों के अंदर 30 दिनों के अंदर 200 सौ बीपी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दो मैंने दो आपको दो पिछले महीने एक टिप दी थी और उस टिप के अंदर मैंने आप लोगों को टिप उस लोग मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप कैसे रोज के दस बीपी का ऑर्डर इकट्ठा कर सकते हैं अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो अभी भी मेरी वो वीडियो मौजूद है कि आप कैसे रोज के दस दस बीपी करके अपने महीने का अच्छा खासा एक टारगेट पूरा कर सकते हैं दस नहीं तो बीस बीपी का ऑर्डर कर सकते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है तो दो बीपी करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप कुछ अपने घर का सौदा नहीं आप वीकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पचास बीपी कर लिए फिर पचास कर लिए फिर पचास फिर पचास इट्स नॉट एट ऑल टाफ ठीक है सो दो सौ बीपी आपने करने हैं पूरे महीने के अंदर तो आप अपनी मर्जी की कोई सी दो प्रोडक्ट्स 50% परसेंट ऑफ पे ले सकते हैं 50 का मतलब ये होता है कि 20 और एज अ कंसल्टेंट आपको ऑफ मिल रहा होता है नहीं परसेंट ऑफ पे ले सकते हैं जो पिछले महीने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने पर्सनल कोड पर अपने जाति कोड पर 200 सौ बीपी किए थे वो इस ऑफर को जरूर अवेल करें जब इस महीने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करें और जिन लोगों ने तक अभी तक अवेल नहीं किया वो इस महीने अपने पर्सनल के को के अंदर अपने पर्सनल दो सौ बीपी करें और इस ऑफर को डेफिनेटली अवेल करें अगले महीने आप दो चीजें ले सकेंगे ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट में और वेलकम uh, प्रोग्राम में और वेलकम ऑफर के अंदर फर्क होता है सबसे पहले हम ऑन गोइंग वेलकम प्रोग्राम की बात करते हैं इसकी वैलिडिटी फर्स्ट नवम्बर से थर्टी फर्स्ट uh, तक है अब ये क्या है और ये किसके लिए ये हर उस शख्स के लिए है जो नया है और जो ओरी के अंदर अभी हमारे साथ जो है जो है वो हमारे साथ अभी मेंबर नए ये सिर्फ नए लोगों के लिए होता है पुराने लोगों के लिए हरगिज नहीं होता अच्छा इसके अंदर क्या हम हाँ, आप हासिल कर सकते हैं सबसे पहले हमने ये देखना है इसमें बड़े ही मजे की आ, जो है वो आ, आपको इसका सबसे पहले इसके मैकेनिक समझने इसके कुछ स्टेप्स हैं इसको नए लोग ले सकते हैं और इसको लेने के कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स में वन टू थ्री स्टेप्स हैं आप जिस महीने हमें ज्वाइन करते हैं उस महीने आप जो हैं वो अपने सॉबी भी पूरे करते हैं और सौ बीपी पूरे करने के बाद आप उससे अगले महीने अपना फर्स्ट वेलकम गिफ्ट जो है वो ले लेते हैं अब मैं आपको बताऊंगी वेलकम गिफ्ट इस वक्त है क्या मैंने उसका पी भी ग्रुप में शेयर किया है आप लोगों के लिए आप में से कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली देखा होगा मगर मैं कुछ लोगों को उसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी शेयर कर दू मुझे एक मिनट सिर्फ दे दीजिए मैं इसकी डिटेल्स अपने इस पे देख लू फोन पे Uh, जो चीज आपको समझ ना लगे या कोई क्वेश्चन हों यू कैन एनी टाइम आस्क मी ओके अच्छा अच्छा जी जी हमारे पास वेलकम वेलकम प्रोग्राम प्रोग्राम है अच्छा जितने भी नए लोग हैं पिछले महीने जिन्होंने सौ बीपी किए वो इस महीने भी उन उन चीजों को यूज कर सकते हैं और जिन लोगों ने इस महीने ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं इसमें आपने सबसे पहले वेलकम प्रोग्राम वन या स्टेप वन को देखना है इसके तीन स्टेप है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या, क्या मौजूद है मेरे पास पिक्चर्स हैं और कोड्स लिखे हैं दवांग का कलर अल्टीमेट आई स्टिक है दवान का ब्रोकारा है दवान का वंडरलाइन आई लाइनर है दवान का ट्रेमेंडियस बेक वॉल्यूम मस्कारा वॉटरप्रूफ है तो स्टेप वन में आपके पास चार चीजें मौजूद हैं है। इसमें आप अपनी चॉइस की कोई सी एक चीज ले सकते हैं स्टेप टू के अंदर स्टेप टू के और जी इसके बाद हमारे पास मौजूद है मेकअप रिमूवर है हाइड्रा का उसके बाद हमारे पास जो है कैंडी एप्पल का बबल बाथ है जो गोल्ड का हमारे पास परफ्यूम स्प्रे है

और जो इस महीने हमें ज्वाइन करके सो बीपी करेंगे वो इससे अगले महीने उन ऑफिस को अवेल कर सकते हैं मैं स्टेप टू और स्टेप थ्री नहीं बता रही क्योंकि वो उससे आगे आ, आना शुरू हो जाता है और जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं आपको नजर भी आ रहा होता है फ्लायर हमारे पास बहुत सी अमेजिंग मौजूद होती हैं तीन महीने की कैटलॉग होती है मगर बहुत से लोग इस तीन महीने की कैटलॉग को देख के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं तो हम अपनी महीने के अंदर दो फ्लायर्स लेकर आते हैं और इन फ्लायर्स में जो प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी कैटलॉग का पार्ट नहीं होती हम डिफरेंट कंट्री से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं एक हमारी जो फ्लायर है वो फर्स्ट से थर्टीन तक होता है अगला जो है वो थर्टीन की नाइट से समझें वैसे फर्स्ट से ट्वेल्व तक ही होता है थर्टीन सॉनवर्ड दूसरा ऑर्डर जाता है चौबीस तारीख तक अच्छा जी इसके अंदर बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स होती है हमारी कैटलॉग का पार्ट नहीं होती फर्स्ट कम फर्स्ट अब ये बिल्कुल भी री नहीं होती हैं हाँ हमारी कैटलॉग की प्रोडक्ट्स रीस्टॉक होती हैं और दूसरी नहीं थी लीडर्स क्लब नाउ वॉट इज लीडर्स क्लब लीडर्स क्लब होता है ये सबके लिए नहीं होता ये आपको पता है के डिफरेंट हैं थ्री परसेंटेज आप ज्वाइन करते हैं आप जीरो पे होते हैं थ्री सिक्स नाइन फिर ट्वेल्व फिर फिफ्टीन फिर एटीन और फिर ट्वेंटी पहुंचते हैं हमारी पंद्रह परसेंटेज वाले लेवल पर यानी आपके अपनी टीम के साथ चार हजार बीपी होते हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं कुछ थोड़ी सी टर्म्स और कंडीशन होती हैं उसमें कुछ सर्टन एक्टिविटी आपने पूरी करनी होती है रिक्रूटमेंट की क्वालिफाइड रिक्रूट होते हैं सब कुछ वो जब आप पूरा करते हैं तो आप लीडर्स क्लब में ले सकेंगे इस अगले महीने जो विन करेंगे वो हमारी स्किन प्रो की एक डिवाइस है ये डिवाइस जो है ये हमारे पास कभी कैटलॉग में थी अब नहीं है दस हजार तीन सौ रुपए की डिवाइस है फिजिकल एक्सपोलियंट डायरेक्ट मेकअप आपने आप, आप लोग करते हैं सब कुछ करते हैं प्रॉपरली स्किन क्लेंस नहीं होती तो आप इससे बहुत अच्छे तरीके से स्किन की प्रॉपर क्लेंजिंग कर सकते हैं अब हम आएंगे वेलकम प्रोग्राम पे इसका नाम है बेसिकली सेल्स एक्शन यानी एक सर्टन सेल के बाद आपको एक्शन क्या देगी ये है वेलकम प्रोग्राम ये ऑन गोइंग नहीं है सो so ये इसका पीरियड है फर्स्ट से लेकर थर्टियथ नवम्बर तक और ये दो तरह के, के, के बीपी करने पर आपको मिलेगा पहला बीपी है पचहत्तर बीपी और दूसरे बीपी हैं सौ बीपी यानी ऑप्शन वन और ऑप्शन टू अब हम बात करते हैं ऑप्शन वन की ऑप्शन वन में आपको जो है वो क्या चीजें मिल रही हैं ऑप्शन वन के अंदर आपको मिल रहा है Uh, एक बहुत ही अच्छा सेंशल्स का सोपार विध वायटामिन ई एंड बी थ्री उसके बाद आपको आ, हमारा सेंचल का फेस मास्क मिल रहा है विद वायटामिन ई एंड कनोला ऑयल उसके बाद आपको एक फेयरनेस की बॉडी की लोशन मिल रही है वाइटामिन ई एंड बी थ्री उसके बाद आपको फेयरनेस का सेंशल्स का फेस क्रीम भी मिल रही है अच्छा ये हम ऑफर क्यों लेकर आए विंटर्स के अंदर हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा चीजें जो है वो यूज नहीं कर रहे होते बिकॉज हमारी स्किन नॉर्मली क्या होती है कि हम अगर स्किन पे क्रीम लगाते हैं तो हमें लगता है हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है और विंटर के अंदर नॉर्मली हम इंडोर होते हैं तो इतना डार्क होना नहीं चाहिए तो हम सारी फेयरनेस की रेंज इसलिए लेकर आए हैं कि शादियों का सीजन है फंक्शंस का सीजन है तो आपकी स्किन किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज ना हो और आप इस फेयरनेस की रेंज को ना सिर्फ यूज करें बल्कि इस फेयरनेस की रेंज के साथ आप अपनी स्किन को मुलायम नरिश्ड और हेल्दी भी रखें सारी चीजें साथ साथ तो इसको लाने का है, खास तरह का मकसद है ठीक है और ये पूरी की पूरी कंप्लीट एक ट्रीटमेंट है और इसी के साथ ही या तो आप पचहत्तर बीपी करेंगे तो ये ले लेंगे या आप करेंगे सौ बीपी सौ बीपी पे आपको की हाइड्रा की

फॉर ऑल स्किन टाइप्स यू कैन यूज इट अगर आपको दोनों ऑफर्स चाहिए तो आपको एक सौ पचहत्तर बीपी करने पड़ेंगे आई थिंक इसके अंदर कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं अच्छा मंथली पिक का पीरियड देख लें नवंबर फर्स्ट से लेकर थर्टीथ तक है में आपके पास क्या मौजूद है ये हमारे पास हेयर एक्स का एक स्टाइलिंग मूव है और एक स्प्रे है ये दोनों चीजें भी हम फोर्टी एंड प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ पर लेकर आए हैं खास तौर पर यही चीजें इनमें रख के क्योंकि विंटर्स में हम ज्यादा डिवाइसिस यूज कर रहे होते हैं सारे गीले बाल आप कंधों पर डाल के बाहर नहीं जा सकते आप लोड्राइ आम भी यूज कर रहे होते हैं शादियों में जा रहे होते हैं फंक्शन में जा रहे होते हैं तो आपको हेल्थी आपके बालों को रखने के लिए और आप भी बीमार ना हो और आपके बाल स्टाइल

कैटलॉग ड्राइवर मींस जो आपकी कैटलॉग को ड्राइव कर रहा है अच्छा लोग क्या करते हैं सेल में से फ्लायर में से आइटम्स ले रहे होते हैं और वो कहते हैं जी हमारे तो इतनी इतने की परचेजिंग हो गई हमें ये शो नहीं हो रहा सो कैटलॉग ड्राइवर आपको कैटलॉग से जब आप दो रुपए की परचेजिंग करेंगे तो आप हमारी मिल्क एंड हनी गोल्ड की यह रेंज का की प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड नरिशिंग बॉडी एंड हैंड क्रीम ये आप ले सकते हैं थर्टी परसेंट ऑफ पर थर्टी और ट्वेंटी मीन फिफ्टी परसेंट ऑफ पर आप ये ले सकते हैं जिसके सोना बीच भी, भी मौजूद है, है बड़ा जार है और ये आपके बाजूओ को ना सिर्फ सॉफ्ट करेगा नरिश करेगा मुलायम करेगा ड्राई बाजू ड्राई हाथ बहुत ही बुरे लगते हैं और इसमें बड़े मजे की एक है इज हनी एंड यू नो ऑर्गेनिक मिल्क की जो आपको बड़ी फ्रेश सी फीलिंग भी देनी शुरू कर देगी अच्छा जी आगे हम चलते हैं और देखते हैं बैक कवर पे हमारे पास क्या है बैक कवर होता है आपकी कैटलॉग का बैक कवर नॉर्मली हमारे पास बैक कवर तीन तरह के होते थे मगर इस दफा हमारे पास तीन महीने का बैक कवर सेम है जो मिल्क एंड हनी का पूरी रेंज है अच्छा मिल्कन हनी का जो आपकी रेंज है ये हमारी एक आउटस्टैंडिंग रेंज है दूध और शहद सर्दियों में और इस मौसम के लिए बहुत अच्छा है और आपको जिस तरह हमने बताया हम इसी की बॉडी क्रीम लेकर आए हैं देखें टू बी जिनकी शादियां हो रही हैं मंगियां हो रही हैं निकाह हो रहे हैं सालगिरा है कोई टीन हैं तो उनके लिए विंटर्स के लिए मम्मी को देने के लिए बहुत से लोगों की एनिवर्सरीज आ रही होती है उनके लिए कंप्लीट विंटर का सेट है ये मैं सेट आपको पहले बता दूं ये चूंकि तीन महीने का सेट है ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा ये मैं आपको अपनी नॉलेज से बता रही हूँ ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और फिर क्या होगा इस पर लगेगी ड्यू की स्टैंप ये मैं आपको जुबानी अपने तेरह साल के तजर्बे से बता रही हूँ फिर इस पे लगेगी ड्यू की स्टैंप आपको प्रोडक्ट को भेजेंगे फिर आपको दो महीने बाद मिलती है जब मिलती है सो अभी इसको बाय कर लें जिसने अभी तक नहीं लिया लिया तो बहुत अच्छी बात है कम अज कम ये मेरे घर में अगर मिलकर नानी का शैम्पू नहीं होता तो लड़ाई हो जाती है मेरे घर में सब इसको यूज करते हैं ये बहुत अमेजिंग है वेरी सॉफ्ट बिल्कुल हार्श नहीं है आपके बालों को बिल्कुल सॉफ्ट और बड़ा ही मजे का करते थे सो so, आप इसका जो है ये दोनों चीजें जो हैं अपने ऑर्डर में जरूर लीजिए ये आपको 25 प्लस 45% ऑफ में मिल रही है इसका मास्क भी ले लीजिए आप 5 दस भी ले लेंगे ले 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 ना तो मैं आपको यकीन से कह रही हूँ आपकी प्रोडक्ट निकल जाएगी क्योंकि जब ये आउट ऑफ स्टॉक होगी लोग आपसे ही रजु करना शुरू कर देंगे अच्छा जी उसके बाद हमने बात की थी प्रोडक्ट लाइन की हमें थोड़ी तो सी बिजनेस की कंपनी के पोर्टफोलियो की अब हम बात कर रहे हैं उन इवेंट्स की या फंड की जिन्हें बहुत से लोग विन करते हैं देखिए जब कोई शख्स कर सकता है ना कोई चीज तो पूरी दुनिया में हर शख्स कर सकता है वो चीज प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ आ जाती है हम अपने पोटेंशियल पर यकीन नहीं करते पोटेंशियल हमारे अंदर मौजूद होता है कहीं बाहर नहीं मौजूद होता इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टर अच्छा चले मैं मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगी इनशाला इन दी एंड और वो आपको एक बताने के लिए आपका जहन खोलने के लिए एंड में एक स्टोरी बताऊंगी डायरेक्टर सेमिनार हमारे लिए पिछले दो तीन साल दो साल से आ रहा है और उसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज में लेके जाते हैं फॉर टू डेज लोगों को मगर उसके लिए आपको कम अज कम सीनियर मैनेजर बनना है उसके चार महीने का तकरीबन हमारे पास टाइम रह गया है डायरेक्टर सेमिनार में हम दुबई लेके जा रहे हैं अभी तक पैंतीस लोग इसको विन कर चुके हैं अगर हम कोविड या कोई ऐसी सिचुएशन होगी हम ना लेके जा सके हम आपको इसका कैश डेफिनेटली देंगे

ऊंचा कुछ सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर लैंड अच्छा करते हैं मैनेजर सेमिनार पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल का जो इवेंट होता है वो होता है मैनेजर सेमिनार हमारा मैनेजर सेमिनार कराची और लाहौर में बैक टू बैक होता है एक फाइव स्टार होटल में रंगारंग किस्म की तकरीब होती है उसमें पंद्रह से बीस रुपए की टिकट होती है हम इसको सेल नहीं करते आपको उसको विन करके जाना पड़ता है Uh, अभी तक 540 ब्रांड पार्टनर्स ने इसको विन कर लिया है इसमें आप हायर मैनेजमेंट से मिलते हैं टॉप फीन से मिलते हैं खाना कॉन्सर्ट चाय ट्रेनिंग्स बहुत कुछ हो रहा होता है एक खास किस्म का आपको ड्रेस कोड बताया जाता है जिसके अंदर सारे लोग इस ड्रेस कोड पर तैयार होकर आते हैं आप अपनी मर्जी से बट इट्स अ लॉर्ड ऑफ फन पूरी कवरेज होती है सीमेंट की मैनेजर सेमिनार का हमने पीरियड एक महीना और एक्सटेंड कर दिया है और ये नवंबर ट्वेंटी वन तक है जिन्होंने अभी तक नहीं किया बिन वो इसको कर सकते हैं इसका पी बहरहाल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है जिन लोगों ने इस महीने इसको विन करना है उसका क्राइटेरिया भी वो पीछे जाकर देखेंगे क्या वो उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं

और उससे बापर जो लोग नहीं है वो बिल्कुल हिम्मत ना हारे बिल्कुल परेशान ना हो आ, आ, अभी ये तस्वीर को भूल जाए मेरी बात को से सुने परेशान ना हो जू ही आप इस रेस के पीरियड के अंदर 21 परसेंटेज टच करेंगे जू ही आपका 21 परसेंटेज टच होगा आप इस रेस को विन करना शुरू कर देंगे आपकी जिस महीने की फर्ज करें यह है अक्टूबर मैं भी डायरेक्टर हूं तो जहर है मैं डायरेक्ट ऊपर लेवल पर हूं मेरी ऐप के अंदर एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर लिखा था प्लीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं रेस टू मैंने कहा कहा यस तो उसने कि आप टर्म्स और कंडीशंस को यस करें मैंने यस किया तो उसके बाद मेरा पूरी स्क्रीन बदल गई और उसने मुझे बता दिए मेरे सारे टारगेट्स क्या हैं मेरी रेस क्या है और मैंने कहा जाना है ठीक है अगर आपका भी किस नहीं हुआ आप थ्री पर है सिक्स पर है नाइन पर है ट्वेल्व पर है फिफ्टीन पर हैं एटीन पर हैं और आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है आप इक्कीस परसेंटेज को टच करें जिस महीने आप इक्कीस परसेंटेज की क्लोजेस क्लोजिंग करेंगे फर्स्ट जनवरी में की दिसंबर में की, तो फरवरी के तारीख को आपका टारगेट दिया जाएगा आपकी ऐप आप भी हो जाएगी। इसको कोई भी शख्स कहीं से भी विन कर सकता है आई थिंक इसका क्लोजिंग मंथ फर्स्ट नवंबर से जून तक का कुछ क्लोजिंग मंथ है इसका एक पीडीएफ भी था जिसके अंदर मैंने इसको शेयर कर दिया मैंने अपनी ऐप को अपडेट किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है अच्छा जी अब थोड़ी सी बात हम करते हैं थोड़ी सी क्विकली मैं आपसे बात करूंगी ये वो तमाम ऑफर्स थी ये वो तमाम चीजें थी जो कंपनी ने आपको मुझे दे दी अब इनको हमने यूज कैसे ऑफर्स तो बहुत सी हैं अब इनको हमने इस्तेमाल कैसे करना दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन अच्छा सबसे पहले देखें आप में से बहुत से लोग पुराने हैं बहुत से नए हैं और बहुत सी हम क्लासेस दे चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट है मैंने एक तैयार भी की है ट्रेनिंग इज थ्री पीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन शेड्यूल में भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी मैं उसको भी डिलीवर करूंगी आपको इस वक्त कोविड सिचुएशन के बाद की बात कर रही हूँ आपको हर तरह से सोशल मीडिया को यूज करना है इंटरनेट को जिसमें आप ब्लॉगिंग प्रोडक्ट की कर सकते हैं आपने इस्तेमाल की अपना रिव्यू दें ब्रांड का नाम लिखना चाहें लिखें सोशल मीडिया को यूज करें बहुत बड़ा सोशल मीडिया वेबसाइट्स Uh, जो है uh, मैं वेबसाइट को तो नहीं कहूंगी बट वी कैन वेबसाइट बट आपको हमारी वेबसाइट से बड़ी अच्छी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है के बारे में जैसे आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट की बिजनेस की कंपनी पोर्टफोलियो की जिसे आप अपने मैसेजेस में और अपने ब्लॉग्स में यूज कर सकते हैं मार्केटिंग आपको आनी चाहिए और आपको नेटवर्किंग का पता होना चाहिए और फिर आप ऐसे वायरल होंगे और आप इतने मशहूर होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे सो नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे पहले समझने की कोशिश करें क्योंकि हम एक डिफरेंट कंपनी है इसको आप मार्केट ब्रांड से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते कोई भी महीना शुरू होता है आप एक गोल को सेट करते हैं देखिए जब तक आप गोल को सेट नहीं करेंगे अ गोल इज अ ड्रीम विदाउट अ डेडलाइन ठीक है जिस चीज़ की डेडलाइन नहीं होती वो ड्रीम होता है जिसकी आप डेडलाइन बना देते हैं वो गोल होता है सो आपने अपना गोल सेट करना है आप सबने अपनी क्लोजिंग की होगी पिछले महीने और आप में से बहुत से लोगों को पता होगा आपके पर्सनल दो सौ बीपी थे आप छह परसेंटेज पे थे आप नौ पर थे आपने सौ बीपी किए थे मगर नीचे से टीम की वजह से आप नौ पर आए जो कुछ भी आपकी स्टोरी की आपको पता होगा Osionfish. आपने अपना गोल सेट करना है, है। बड़ा सोचें बड़ा गोल सेट करें और एक्शन लें ऐसा नहीं हो सकता आप सारी ट्रेनिंग्स लें उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे गलती नहीं होगी एक्शन नहीं लेंगे लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग्स लेते हैं एक्शन नहीं लेते कुछ लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं और एक्शन लेते हैं और लोगों से नेगेटिव तो कोई रिस्पॉन्स आता है तो काम छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करना ट्रेनिंग भी लेनी है इम्प्लीमेंट भी करना है नेगेटिविटी भी आएगी उसी में से ही आपने पॉजिटिविटी लेनी है एमएलएम हमारे काम को कहते हैं एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग मैं उसको कहती हूँ मल्टी लेवल मनी हर लेवल से आप मनी ले सकते हैं सिर्फ दिमाग से फोकस होकर टारगेट सेट करके अच्छा जी हमने करना क्या है इस महीने आपने हेल्प करनी है अपने लोगों को रैंक अप करने की मैं आगे चल के बताऊंगी रैंक अप क्या है आप लोगों के जिनके नेटवर्क्स हैं जिनकी टीम्स है जिनके साथ एक दो तीन लोग हैं जिनके साथ एक दो लोग खुद के हैं और बाकी उनकी डाउनलाइन में लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को रैंक अप करना है यानी ऊपर लेकर जाना है जितने लोगों को आप रैंक अप करने में कामयाब हो जाएंगे उतना आप कामयाब हो जाएंगे मैजिक ऑफ परसेंटेज आपको मिल जाएगी रैंक अप हम कैसे करेंगे सबसे पहले आपको याद होना चाहिए हमारा ये वाला ग्रिड हमारे सीपीएल के पीछे भी लिखा हुआ है ये बेसिकली वो एक टेबल है जो हमारे पॉइंट्स और परसेंटेजेस के एक Uh, को बताता है जब ही दो सौ बीपी होते हैं जातियों या टीम से आए तो आप थ्री परसेंटेज पे कंसल्टेंट होते हैं जो ही आपके छो बीपी होते हैं जातियों या टीम से आप जातियोंज पर होते हैं जो ही आपके 1200 सौ बीपी होते हैं आप नौ पर आते हैं चौबीस सौ पे बारह पर मैनेजर बन जाते हैं चार हजार करके पंद्रह परसेंटेज पे मैनेजर होते हैं छे हजार छह सौ करके अठारह करके मैनेजर पे होते हैं दस हजार करके इक्कीस करके आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं तो ये तमाम कैटेगरीज डिफरेंट पॉइंट्स पर होती हैं आपकी क्लोजिंग जिस मंथ पर जिस जिन पॉइंट्स पर होती है अगर 200 से नीचे होंगे तो आप जीरो परसेंटेज पर होंगे यानी कंसल्टेंट ही होंगे आपका काम यह है अगर आप थ्री पर हैं पिछले महीने की क्लोजिंग अक्टूबर की तो इस महीने आपने पर आना है अगर आप सिक्स पर हैं तो आपने आइडियली नाइन पर आना है आप नाइन पर हैं तो आपने आइडियली ट्वेल्व पर आना है यहाँ पर एक चीज मैंने मेंशन नहीं की वो है हमारे स्पीड बोनसेस और ऑंटरप्रन बोनसेस हर थ्री सिक्स नाइन और ट्वेल्व परसेंटेज पर आप स्पीड बोनस ले सकते हैं और अगर आपकी टीम में कोई नया शख्स आता है और वो इसी स्पाइर से थ्री सिक्स नाइन टता है तो आपको खैर उसकी एक ग्रो करने पर हजार एन बोनस मिलता है कि आपने गाइड किया टीच किया कंपनी को अप्रिशिएट करती है इसके अलावा कमीशन बहुत सा है आपने करना कि आपका मंथ स्टार्ट हो गया नवंबर का आपने फर्स्ट डे से फॉलो अप करना है आपने एक डायरी लेनी है पेन पेंसिल लेना है और अपने टीम के लोगों का का एक ग्रेड बनाना है एक टेबल बनाना है डायरी या एक बड़ा सा कोई ऐसा ले लें तरह आपकी डायरी तो नहीं मैं कहूंगी रजिस्टर जिसे आप कहते हैं रजिस्टर के दो पेजेस वाला वाले पेज से स्टार्ट करें जिसके दो साइड्स होती हैं ठीक है बिकॉज हमें दोनों साइडें आपकी चाहिए होंगी सो so आप सबसे पहले एक रजिस्टर लीजिए उसको इस वे में लिखें वे में उसको लिखें कि आप उसके दोनों पेजेस को बड़ा अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से यूज करें आप उसके अंदर सबसे पहले रोज और कॉलम्स बनाएंगे डिफरेंट सबसे पहले एक नेम का एक आपकी रो बनेगी नेम की ठीक है उसके अंदर आयशा साइमा राबिया जो भी आपकी न, मेंबर्स हैं उनके नाम अच्छा आप मुझे कहेंगे हमें कैसे पता हमारी टीम में कितने लोग हैं हमें आप ऑफिस जाओगे आप ऑफिस से हमारी एक आ, एक्टिविटी रिपोर्ट प्रिंटेड निकलती है आपके पास अपना कंसल्टेंट कोड और पासवर्ड होना जरूरी है आप आंसर से या किसी से भी ऑफिस में हेल्प ले सकते हो कि मुझे अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट पिछले महीने की अक्टूबर की क्लोजिंग का प्रिंट चाहिए ठीक है उस रिपोर्ट के अंदर आपकी टीम के सारे लोगों के जिस 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 लेवल पर उसकी क्लोजिंग हुई है क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स किए किए हैं है, नहीं किए हैं तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं तो so, आप सबसे पहले नाम लिखते हो आयशा पर्स करें मैंने एग्जाम्पल दिया उसके पर्सनल बीपीए सौ उसकी परसेंटेज है तीन तीन का मतलब ये है कि तीन परसेंटेज पर आने के लिए तो आपको मैंने कहा था कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए दो तो सौ ठीक है तो मैं कैसे कह रही हूं कि ये सौ करके तीन पर है तो इससे ये साबित हो रहा है कि आयशा ने अपने नीचे एक मेंबर बनाया है जिसने सौ बीपी हैं सौ जमा सौ दो सौ करके वो तीन पर है हो सकता है तीन सौ करके भी तीन पर हो ये आपको तब पता लगेगा जब आपके पास उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट फिजिकली मौजूद होगी उसके बाद उसने थ्री पर आया फर्स्ट करें उसका कॉन्टेक्ट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है और आपने आप उसको नवंबर का टारगेट देना है परसेंटेज पर तुमने आना ये टारगेट आपके पास भी होगा आप उससे बात करेंगी और फिर उसको मक्के मदीने जाने का रास्ता भी बताएंगी सिर्फ ये नहीं कहना कि तुमने चले जाना है तुमने उस, आपने उसको बताना है कि सिक्स पर आने के लिए यू नीड इफ यू डन टू हंड्रेड परसेंट बीपीज फॉर मैं एक् ऐसे कर देती हूँ तो पांच सौ जमा उसके 200 हुए। 600 पर वो पर अगर उसके अपने सौ थे ठीक है वो इस महीने भी इरादा रखती है कि वो सौ करेगी बल्कि इस महीने उसका इरादा दो सौ बीपी का होना चाहिए क्योंकि उसने बिजनेस क्लास लेनी है और दोनों सेल्स एक्शन लेने तो उसे कहना है कि अपने नीचे कम अज कम भी चार लोग लेकर आए जो सौ सौ बीपी करें या अगर वो मेरी कोर टीम में है तो दो लोगों को थ्री पर लेकर आए सो so आपने जहन में रखना है कि पर्सनल बीपी जो उसकी परसेंटेज थी उससे एक लेवल उसको आप जाने का बताना है उसको तरीकेकार बताना है उसको ट्रेनिंग दिलवानी और ग्रो करना है साथ ही साथ इसी तरह से आपके पास बहुत से लोग होंगे जीरो परसेंटेज वाले यानी वो ज्वाइन तो हुए आयशा तो आई मगर उसने परसेंट बी किए परसेंटेज जीरो थी नंबर ये था उसको आपने टारगेट देना है थ्री परसेंटेज का सो आप उससे बात करेंगी उसको तमाम ऑफर्स उसके मतलब की बताएंगी ये सेल है ये है यूं है उसको कम से कम आपने थ्री पर लेकर आना है अगर वो थ्री पर नहीं भी आती तो उसको जीरो से एटलीस्ट हंड्रेड पे लेकर आना है ये हम सबका काम है कि एक्टिव टीम मेंबर्स लेकर आए देखिए सबसे पहले आपने किसी को कोई तीन पर है उसको छह पर लेकर आना है जो छह पर है उसको नौ पे लाना है जो नौ पर है उसको बारह पे लाना है जो बारह पर है उसको पंद्रह पे लाना है मगर जो जीरो पर है उसको कम अज कम सौ या पचास कराने है या दो सौ तक जरूर लेकर आना है ठीक है ये हम सबका काम है अगर आपने पहले महीने में ये तमाम ग्रेड एक्टिव रिट रिपोर्ट निकाल कर इसको तमाम को फिक्स कर लें लिख लें आपको पता लग जाएगा आपकी टीम में कितने नए लोग आए हैं कितने कितने लोगों ने टीम को डेवलप किया है कितनी टीम के नीचे मेंबर्स बने हैं सो आप पूरा भी भी खाका खेल सकेंगे अपने नवंबर के मंथ का क्या आगे डुप्लीकेट किया जाए उसके बाद टीम को फॉलो अप करने के लिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ती हैं आप वीकली डिवाइड करें अपने नवंबर को वीक 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 में डिवाइड करें हर वीक में सात दिन होते हैं आपने हर सातों दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है ट्रेनिंग्स लेनी और देनी तो है ही है आपने ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स कौन से जो मैंने आपको बताया है कि जब आप सौ बीपी करते हैं ऑन गोइंग का मतलब है जो नए लोगों के लिए होते हैं जब आप सौ बीपी करते हैं तो वो उसके बाद जो है वो अगले महीने आप थ्री स्टेप्स में ले सकते हैं स्टेप 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 हर सौ बीपी करके फिर सेल्स एक्शन वेलकम प्रोग्राम कहते हैं जो पचहत्तर बीपी का और एक सौ पचास का है फिर आपका फ्लायर उन लोगों के लिए जो स्लीपिंग होते हैं जो सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं जो तीन महीने में कोई नया पान वो वाली लेते हैं आपने मिस आउट किसी को नहीं करना इस काम में जो शख्स अलर्ट है वो ही कामयाब है कैटलॉग ड्राइवर बास लोगों को कैटलॉग ड्राइवर वाली चीजें अच्छी लगती हैं आपने उन्हें कैटलॉग ड्राइवर बताना है नई प्रोडक्ट्स में बास इंटरेस्टेड होते हैं जब नई प्रोडक्ट आए तो हमें बताना

तीन महीने आपके साथ कोई शख्स मेंबर बनता है और तीन महीने तक ऑर्डर नहीं करता कंपनी उसको टर्मिनेट कर देती है वो आपकी टीम में नहीं रहता उसके बाद वो जिस मर्जी के साथ चाहे मेंबर बन सकता है तीन महीने में, में भी अगर वो दो बीपी का भी ऑर्डर कर देता है पांच बीपी का भी ऑर्डर कर देता है वो एक साल के लिए आपके साथ आपकी टीम में ही रहेगा सो आपने इस पॉइंट को मिस नहीं करना जो आपके साथ रिक्रूट है तीन टर्म्स हमारे काम में यूज होती है रिक्रूट स्टार्टर्स एंड क्वालिफाई रिक्रूट रिक्रूट स्टार्टर वो शख्स होता है जो मेरे साथ मेंबर बना मगर उसने कोई पॉइंट ना किया कोई पॉइंट नहीं किया सिर्फ वो मेरे साथ मेंबर है तो दैट पर्सन इज स्टार्टर जू ही वो कोई भी पॉइंट्स uh, करता है कोई भी पॉइंट्स करता है वो सौ बीपी नहीं है सौ से कम बीपी है कोई भी पॉइंट्स करता है पचास किए तीस किए बीस किए दस किए तो वो बन जाता है स्टार्टर से रिक्रूट में मगर जिस टाइम जिस महीने वो सौ बीपी करता है और इनिशियली और आइडियली आइडियली जिस महीने वो ज्वाइन करता है उसी महीने से सौ बीपी कम अज कम करवाएं तो वो क्वालिफाइड रिक्रूट बन जाता है आपको क्वालिफाइड रिक्रूट का बहुत फायदा होता है डेड लोगों का कोई फायदा नहीं होता सो कोशिश करें दो सौ बीपी पे काम करें बहुत सी ये आ, आपकी ऑफर्स है मगर ये तभी आप अवेल कर सकेंगे जब आप अपना मंथ प्लान करेंगे मंथ प्लान करें पेपर रखें डायरी रखें वीकली प्लान करें ये ट्रेनिंग लेनी है ये देनी है ये सीखनी है ये याद करनी है ये से ये बात करनी है से ये करनी है लिखते जाए नोट्स बनाए पढ़े लिखे लोगों की तरह परसेंटेजेस पता होनी चाहिए लोगों को क्या ऑफर्स बतानी है उनसे अच्छा रहा रखें उनसे इतनी अच्छी दोस्ती कर लें कि कोई उन्हें कितना भी बरखा लाए उनको आप पे जो ट्रस्ट और सिंसेरिटी हो वो कहीं भी जा ना सके जी ये तो थी हमारी आज की नहीं ऑफर्स और थोड़ा सा मैंने आपको मंथ का गोल सेट करने का बताया आज शाम आठ बजे तक ऑफिस खुला चाहे आज जाए चाहे कल जाए ऑफिस जाए अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट निकालें डायरी एक रजिस्टर पैसों का खरीद के लेकर आए हॉरिजॉन्टल उस पर और वर्टिकल वे में उसके कॉलम्स और रोज बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें यहां तक तो थी हमारी आज की ट्रेनिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं